रायबरेली और अमेठी सीट पर इस समय जो बड़ी खबर हमें मिल रही है सूत्रों के हवाले से, हालांकि ये बड़ी खबर है, अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर कांग्रेस में आम सहमति बन चुकी है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इसका ऐलान वायनाड चुनाव के बाद होगा। यानी एक बार फिर अमेठी में राहुल गांधी बनाम स्मृति ईरानी का मुकाबला देखने को मिलेगा। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी अपने गढ़ रायबरेली और अमेठी के लिए ठोस रणनीति बना रही है। सूत्रों का दावा है कि अमेठी और रायबरेली दोनों सीटें परिवार के पास रहेंगी, वहीं रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस 26 अप्रैल के बाद दोनों सीटों पर अपने पत्ते खोलेगी। पिछली बार 2019 में वायनाड सीट से राहुल गांधी ने बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन अमेठी से स्मृति ईरानी से वो हार गए थे। 2014 में स्मृति ईरानी राहुल गांधी से हारी थी, तो 1-1 आप कह सकते हैं। और अब क्योंकि राहुल गांधी की सीधी टक्कर एक बार फिर अगर स्मृति ईरानी से होती है, तो यही सवाल आज हमने अपने पोल में भी पूछा है कि क्या राहुल गांधी स्मृति ईरानी से चुनाव जीत पाएंगे। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल ने अमेठी को अपमानित किया है, अमेठी की जनता राहुल गांधी को जवाब देगी, अमेठी से फिर चुनाव हारेंगे राहुल गांधी। सुन लेते हैं स्मृति ईरानी ने आज क्या कुछ कहा। अमेठी अपने सम्मान की लड़ाई लड़ेगा राहुल गांधी के खिलाफ, अमेठी अपने संरक्षण की लड़ाई लड़ेगा राहुल गांधी के खिलाफ। जिसने अमेठी को त्याग दिया और त्यागने के बाद भी बार बार अपमानित किया, जिस अमेठी में नरेंद्र मोदी ने विकास किया, अमेठी उस नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देगी। जिसने अमेठी को त्यागा वो अमेठी में कभी चर्चा है कि वाड्रा। तो राहुल गांधी और स्मृति ईरानी अगर एक बार फिर आमने सामने होंगे तो ये मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। और देखिए 2014 में जैसे मैंने आपको बताया राहुल गांधी जीते थे, 2019 में स्मृति ईरानी जीती थी, तो ऐसे में 1-1 से कंपटीशन जो है वो चल रहा है। और अब ये मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है। और रवि त्रिपाठी जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, जैसे कि मैं अभी दर्शकों को बता रही थी, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट भी कीजिएगा, 2014 में राहुल गांधी जीते थे, 2019 में स्मृति ईरानी जीती थी, यानी 1-1 से अभी ये मैच चल रहा है। और अगर इस बार जैसे सूत्र हमारे बता रहे हैं कि राहुल गांधी परिवार अपनी रायबरेली और अमेठी सीट नहीं छोड़ेगा, तो फिर एक बार राहुल गांधी और स्मृति ईरानी आमने सामने होंगे। और ये कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी को थोड़ी नाराजगी, एंटी इनकम्बेंसी जिसको कहते हैं, वो झेलनी पड़ सकती है। आपकी रिपोर्ट क्या कह रही है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए, क्यों, चूंकि राहुल गांधी सांसद थे 2014 से 2019 और उससे 2004 से लेकर 2019 तक लगातार, तो उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसका फायदा स्मृति ईरानी को मिला। और उस समय सरकार भी दोनों जगह थी। इस बार भी दिक्कत, देखिए दोनों जगह सरकार होने से दिक्कत है कि जो समाजवादी पार्टी का सपोर्ट राहुल गांधी और कांग्रेस को मिलता है वो उस तरह से नहीं मिल पाता। हालांकि विपक्ष में है और अलायंस के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। एक फायदा है देखिए राहुल गांधी को कि अभी भी वहाँ सिंपैथी है लोगों को लेकर, गांधी परिवार को लेकर। दूसरा, 5 साल में एक एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं 10%, 20%, 30% एंटी इनकम्बेंसी स्मृति ईरानी के खिलाफ हुआ होगा, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। इसी वजह से देखिए जैसे खबर आई है कि राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं, तुरंत उन्होंने काउंटर किया है। और ये काउंटर करना ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि राहुल गांधी के आने से कुछ दिक्कतें हो सकती है, इसलिए आप राहुल गांधी को पहले से ही डिफेम करने की कोशिश। लेकिन रवि, रवि एक बात तो माननी पड़ेगी, हालांकि देखिए अभी नहीं किया, रवि एक बात तो माननी पड़ेगी कि अभी हालांकि चुनाव इस आधिकारिक घोषणा राहुल गांधी की नहीं हुई है, लेकिन अगर परिवार रायबरेली और अमेठी सीट नहीं छोड़ता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ये संदेश अपने काडर को नीचे तक देना चाहती है कि इस लड़ाई में हम बने हुए हैं। जो अमेठी से लगातार स्मृति ईरानी कहती रही है कि साहब ये तो रण छोड़ गए या लड़ाई छोड़ के भाग गए। बिल्कुल, इसी वजह से ये चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए पहले देखिए लगभग तय था कि दोनों परिवार के लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ना लगभग तय था कि नहीं लड़ेंगे, लेकिन जब ये मैसेज गया है कि पूरे नॉर्थ इंडिया को छोड़ रहा है गांधी परिवार और इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, इस वजह से कहीं ना कहीं मैदान में आया गया। कुछ सर्वे कराए गए हैं कांग्रेस पार्टी से, तमाम सर्वे, हालांकि आपको बता दूं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो फीडबैक था बहुत अच्छा नहीं था, वहां जो अमेठी यात्रा गई थी तो उसको बहुत रिस्पॉन्स नहीं मिला था। बावजूद इसके कुछ सर्वे कांग्रेस पार्टी ने कराया और उनका कहना है जो सर्वे वाले लोग हैं कि अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो जीत सकते हैं, अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं तो रायबरेली से जीत सकती हैं, दूसरे किसी के लिए मुश्किल है। इस वजह से खुद मैदान में उतरने का फैसला किया गया है और इस वजह से थोड़ा लेट भी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 26 तारीख को वायनाड का चुनाव हो जाएगा तो 27 से 28 को ये फाइनल किया जाएगा कि राहुल और प्रियंका वहां से चुनाव लड़ेंगे और उनका नॉमिनेशन डेट तय किया जाएगा 3 तारीख से पहले, जो भी डेट होगा। तो एक स्ट्रेटजी भी कहा जा रहा है और दूसरा यह है कि कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडिया को छोड़ना नहीं है, ये मैसेज देंगे तो प्रधानमंत्री
मोदी हो चाहे स्मृति ईरानी हो, सब ये कहेंगे कि आपने पूरे नॉर्थ इंडिया को छोड़ दिया। वैसे भी बहुत ज्यादा सीटें नहीं मिली थी, आप जानते हैं, यूपी से एक, बिहार से दो, बिहार से एक, बंगाल से दो। और रवि देखिए, मैं और आप तो अब लगातार लाइव जुड़ते ही रहेंगे, नतीजों वाले दिन भी जुड़ेंगे, और जाहिर सी बात है कि मुकाबला कड़ा होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। जब दोनों तरफ से जोरदार लड़ाई होती है, चाहे वो क्रिकेट मैच हो या चुनाव, आनंद तो तभी आता है। तो इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद रवि, फिलहाल आपका इस पूरे अपडेट के लिए। Zing